मुझे इस टाइम बहुत तेज फीवर है, तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है। और आप देख सकते हो, मैंने फिर भी ऐसे में भी 1 घंटा हिम्मत करके, क्योंकि कल आंधी आई थी, यहाँ फर्श पे इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी, पूरा मैंने साफ़ किया। पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया अच्छे से। मैं कहा नहीं निधि, थोड़ी हिम्मत कर ले, थोड़ा घर की तो सफाई एटलीस्ट कर ही ले। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पूरा पोछा लगाया है, कमरे के अंदर भी पूरा सेट करा, डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा किया, बर्तन रह रहे हैं, रसोई का खाने का काम मम्मी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बाहर से खाना मंगवा दूंगी। मेरी हिम्मत ही नहीं है, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, सहारा ले लेके तो मैं खड़ी हो रही थी, फिर भी मैंने झाड़ू पोछा सफाइयाँ कर दी। ये देखो बर्तन बचे हुए हैं, खाना भी नहीं बना, 8:30 बज रहे हैं, अगर बनाएंगे तो मम्मी बनाएंगे, अदरवाइज मैं बाहर से ही अरेंजमेंट करूंगी खाने का। अभी विहान सो के नहीं उठा है, देख सकते हो सो रहा है। यहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं, बस ये काम मेरा रहता है, इन कपड़ों को तय कर करके लगाना है, बाकी पूरे घर में। अभी मैं यहाँ पे देखो पानी पीने लग रही थी मेरे को एकदम से, मैं थकान हो गई है, मैं थक गई हूँ। ये कल आटा आया था, देखो आप आटा आ गया है हमारे घर में। अब मैं बैठ जाती हूँ, सच में बहुत थकान हो गई, मतलब इतना काम कर लिया ना। मैंने कहा फिर भी चलो अच्छी बात है, कम से कम एटलीस्ट घर तो थोड़ा साफ सुथरा हो गया, वरना ऐसे बिखरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। हिम्मत करके खड़ी हुई तो इतना तो कर लिया काम। बहुत खराब है मेरी इस टाइम हालत, यहाँ मैं पानी पी रही हूँ। बाबू को मैं अंगूर खिलाऊंगी अभी सुबह नाश्ते में, क्योंकि आपको पता है अभी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कम से कम फल फ्रूट शरीर में जला जाएगा। ले बेटा खा के देख, अच्छा ऐसे देता, थोड़ा सा खा ले। हम तो खा ही नहीं रहा अंगूर, थोड़े बहुत मैं खा लूं। आपने अपनी शर्ट उतार दी विहान? क्यों उतारी? अपनी शर्ट उतार दी और मेरे पास आके कह रहा है दूधवा पी लो। कहाँ है दूधवा? ये मेरी लाडू। मम्मी मैंने मखाने बनाए हैं विहान के लिए, क्या पता ये खा ले, अंगूर तो छुए नहीं। आप भी इतने बढ़िया चीकू, ये क्या है? आड़ू काट के लाए, मुंह ही नहीं लगाता, देख लो अब आपके सामने है। विहान ने ये भी नहीं खाए, अभी तो कुछ नहीं खा रहा, मुझे लग रहा है पापा जी आ गए। क्या लाए पापा जी? रोटी ले आया हूँ। रोटी? रोटी में क्या है पाजी? रोटी में रोटी है, ये इस तरीके से 5, और ये सब्जी है, ये भी खाना 70 रुपए का आया है, 70 का। बाला गड्डी, बाला गड्डी, बाला गड्डी, बाला गड्डी। मम्मा ने घर पे आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना दी। पापा जी ये वाली चॉकलेट तो आप गलत ले आए विहान के लिए, ये बच्चों की नहीं होती डार्क चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट ना बड़े लोगों के लिए होती है, ये समझ रहे हो? ये वाली कड़वी होती है वैसे भी ये चॉकलेट। वो तो ठीक थी, ये डार्क चॉकलेट है। हाँ मैं खा लूंगी डार्क चॉकलेट, नमकीन लेकर आए हैं पापा जी विहान बाबू के लिए। देख लो मेरे से पूछ तो रहा है, क्या पूछ रहे हो मेरा बच्चा? वो कितनी बड़ी चॉकलेट दिखा ना बेटा, देखो मेरे को दे देता है। ये कितने की आई पापा जी? 110 रुपए की चॉकलेट है ये डार्क चॉकलेट अमूल की। कहते हैं वैसे आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि आप ना डार्क चॉकलेट खाया करो, नॉर्मल चॉकलेट से मेड फ्रॉम फाइनेस्ट कोका बीन्स, ये बच्चों के लिए नहीं होती लेकिन। और ये दूसरी चॉकलेट पापा जी ने खोल दी है। पापा जी पूरी नहीं मैं दे दूं, खा दूंगी इसके ना बच्चे नुकसान करती है, ज्यादा भी खा ले तो। बाबू इधर आओ, आप तो छोटी 10-10 रुपए वाली ला दिया करो इसकी, ला मैं खोल के दूंगी, ला मैं दूंगी, मैं देती हूँ, मैं खोल के दूंगी ना, मैं खोल के दूंगी, मैं खोल के दूंगी।
नानू के पास चला जा, ये पूरी खा जाएगा पापा जी। मैं एक टुकड़ा दूंगी भाई, फ्रिज में रख दूंगी बेटा, बाद में खा लेना। मैं खा जाऊंगी चॉकलेट, रुक जा नहीं खाऊंगी, ले ये ले। ये लो ले खा ले, खुश खा ले, बस दे तो दी बेटा। फ्रिज में रख रही हूँ मम्मा, फ्रिज में रख दी, बाद में खा लेना। ये री रख दी ना, देखो जा 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 जा, दे तो दी, मुंह में लेके तो बैठा है चॉकलेट बेटा, इससे ज्यादा और क्या दे आपको। ये ले बस, और नहीं खानी, लो ये भी ज्यादा है वैसे तो, रुको ये लो निकाल लो बस। वैसे आप पापा जी खर्चा करते हुए बिल्कुल सोचते नहीं हो ना, मैं इतनी महंगी महंगी चीजें एकदम से खरीद देते हो। कितने महंगी थी ये चॉकलेट भी। अंगूर खा ले, अब कहाँ अंगूर, नमकीन भुजिया खा रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो पा जी। तो हर आदमी ने अपना टाइम पास करना, वो देख साला उड़ खड़ा गया दे ज्ञान इसका मसले तो ये फ्रिज भी खोल ले, आता नहीं खोलना, फ्रिज पे चढ़ रहा है। ज्ञान इधर आओ, बाद में देंगे, बाद में ले लेना, इधर आओ आओ। बंदर कहीं का कमेंट्स पढ़ रहे हो पापा जी, सब आपको कितना समझा रहे हैं, खुश रहो। ऐसे है, मैं बताऊं मेरी लाइफ मेरे हिसाब चलेगी, सबकी लाइफ अपने हिसाब से चलेगी, बस अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से खाओ पियो, ऐसे करो, कुछ नहीं इस दुनिया में लेके जाना ना कुछ देके जाना। सिर्फ मैं बताऊं, मैंने देख रखे है सिर्फ 2 घंटे का काम होता है, 2 घंटे में जला जुलू के आदमी आ जाए बस, इससे फालतू है ही नहीं कुछ, जिंदगी ही कोई नहीं मकसद। जब तक जिंदा है तब तक वो सोचता रहता है, सबके बारे में सोचा है, चाहे लड़का है लड़की है घराली है किसी के बारे में। मरने के बाद तब दो ही घंटे लगा मैं, उसके बाद नेचुरल जो जिंदगी है वो चलती रहे, सब अब उसी तरह खाना भी खावाएंगे, पूड़ियाँ भी खावाएंगे, समोसे भी खावाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का खेल होता है और कुछ नहीं। मैंने देख रखे हैं मेरे साथ कदी के नाम, कितने कितने पैसे लेके आए, लाखों में लेके आए, करोड़ों में लेके आए, सब नहीं बस, सब नहीं। सबने ही वरी छोड़ के जाना, चाहे अरबों की। और कल पंडा जी मिल गया था मेरे को DSP, मैं कहा पंडा जी गाड़ियाँ खरीद लो, कोठियाँ बना लो, सब और ही छोड़ के जाने हैं। बोले यार तेरी बात तो सही है, ओके है, आदमी की जिंदगी की थोड़ी सी होती है भाई, जिंदा है हमारा बाप है या कौन है, कह बस मरने के बाद सब खत्म, मरने के बाद वो के बन जाए, भूत बना है प्रेत बना है, हमने तो देखा है किसी ने के बनना है। अभी फ्रिज में चॉकलेट्स इतनी रखी हुई हैं और खाने का ही दिल नहीं कर रहा है, ऐसी नफरत सी पैदा करवा दी आपके वो कमेंट्स, याद आ जाते हैं नहीं इच्छा हो रही। और हमारे साथ वाले इधर वाले घर में नजदीक में चोरी हो गई, इधर ही साथ वाला ही घर, और उनसे मिले आज, मैं बता रहे थे बात हो रही थी, वो इतनी अपसेट थी ना, जो मतलब लेडी है उनके हस्बैंड वाइफ थे, रहते थे, तो वाइफ है उनकी, 2 अंगूठी सोने की निकल गई और भी गहना सारा गया, अभी नई नई शादी हुई थी उनकी, बता रहे थे 2 साल हुए थे, तो शादी का जो जेवर होता है भाई पहनने का होता है अच्छा खासा, वो सारा चला गया, 40-50 हजार का कैश लेकर चले गए, पैसा भी ले गए उठा गए चोर। आप सोचो साथ वाले घर में, यहां मैं बैठी हूँ अकेली बच्चे के साथ, आप लोग मेरे को वीडियो में बोल रहे हो कि आप वीडियो में मत बताओ आप अकेले रहते हो, अकेले, यहाँ सबको पता है, सबको पता है A to Z, कोई ऐसा बंदा नहीं है, क्योंकि मेरा काम वीडियो का है, सबको दिखता नहीं है, मैं मुंह से ना बोलूं मैं अकेली रहती हूँ अकेली, लोगों को दिखता नहीं है मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती हूँ, है ना। और मेरे घर आए हैं वो चोर, मेरे को लगा मेरी मम्मी होंगे, मेरे को सच में आवाज आई, मेरा गेट खुला है ये,
मैं सो रही थी आगे वाले कमरे में, मैंने कहा कौन है, एकदम इतने सभी फिर आवाज नहीं आई, गेट खुलने की मुझे आवाज आई उसके। अगर मेरी मम्मी होती और मैंने पूछा कौन है तो मेरी मम्मी जवाब तो देती ना, मैं हूँ, जवाब क्यों नहीं मिला सामने से, मतलब मेरी मम्मी नहीं थी। और रात के 2:30 बजे, चलो मम्मी आ जाते हैं गैर टाइम में, बट अगर मम्मी होते तो मुंह से बोल देते कि मैं हूँ। तो मैंने उस टाइम क्या था कि बंदा होता नहीं है कि आलस कर जाता है, रात को नींद में होता है, नहीं उठ के देखता। और बाई चांस मान लो मैं अकेली रहती हूँ, मैं उठ के देख लू कोई क्या हो, क्या लेके आ जाए हाथ में, क्या चीज हो उसके पास, है ना, क्या कर लूं अकेली रहती हूँ। तो पापा जी बोलते हैं कैमरे लगवा ले, सीसीटीवी कैमरे अपने घर में, सेफ्टी रहती है, कोई बाहर का बंदा उसे भी डर लगता है कि कैमरा होना चाहिए, है ना। क्या कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे ही नहीं है कैमरा लगवाने के लिए भी। अगर अच्छी खासी सैलरी का उठा रही होती, यूट्यूब से भी कमा रही होती, तब तो चलो बंदा 10 चीजें सोच लेता है करने की। आपको पता है मैं रोज, मेरा ना 15 दिन हो गए, 20 दिन, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं कितना सोच के चलती हूँ। मेरा मोमोज खाने का इतना दिल है, मैंने शायद 10-15 दिन पहले बताया था, पर नहीं खा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बाहर जाओ ना तो 50-60 रुपए की प्लेट देते हैं मोमोज की, और मंगवाओ बाहर से ये जोमेटो वगैरह से 150 रुपए की प्लेट, साथ में टैक्स भी भरो, डिलीवरी चार्जेस भी भरो, इतना कुछ भर के वो प्लेट ही 200 रुपए की पड़ती है, है ना। तो 8 मोमोज आएंगे 200 रुपए में, मन नहीं करता, मेरे को लगता है छोड़ना क्यों पैसे इतने खराब करने। मैं रोज क्या करती हूँ, हर चौथे दिन की कहानी है मेरी, मैं जोमेटो ऐप को डाउनलोड करती हूँ फोन में, उसमें चीजें मंगवाने के लिए भर देती हूँ, एड टू कार्ट कर देती हूँ, और जब पैसे देने का टाइम आता है तब अपनी उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फोन को साइड में रख के बैठ जाती हूँ चुपचाप, और फिर कहती हूँ नहीं नहीं करना ऑर्डर, शांत हो जानी दी, घर पे कुछ बना के खा लेंगे। फिर 3 दिन बाद मेरी यही कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी, बर्गर ऐड कर दिया, मोमोज ऐड कर दिए, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दी एप्लीकेशन। हर 3 दिन बाद इंस्टॉल फिर अनइंस्टॉल, मंगवाती कुछ भी नहीं हूं। एक बार मन किया पिज्जा मंगवाऊं, ये मंगवाऊं, कुछ भी नहीं। क्यों? ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे है पर हालात ऐसे नहीं है मेरे कि मैं बेफिजूल की इतनी चीजें खर्चूं इस टाइम, है ना। जो जरूरी है चीजें वो देखनी है इस टाइम मुझे। अगर मैं ऐसे खर्चती रहूंगी कि चलो फिर मैं कल का भी तो सोचना पड़ता है ना, हर चीजें सोच विचार करके चलनी पड़ती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सिंगल मदर हूँ। तो अगर मैं पैसे की वैल्यू नहीं करूंगी तो पैसा भी मेरी वैल्यू कभी नहीं करेगा, इसीलिए नहीं खरीदा, नहीं खाया। पापा जी को बोलूंगी कि वो बनाएंगे घर पे मोमोज, तब खा लूंगी, है ना। पापा जी साथ मेरी बात हो रही थी, आपको पता है, पापा जी को मैंने कहा पापा जी मेरा ना काम नहीं बनता, मुझे स्कूटी वगैरह कुछ लेनी पड़ेगी, मुझे बहुत दिक्कत आती है, कोई चीज चाहिए हो कुछ हो, मैं ऑटो के धक्के खा खा के थक चुकी हूँ, मैंने जिंदगी में आज तक स्कूटी नहीं चलाई, ऑटो में घूमी हूँ हर जगह, लेकिन मेरा अब क्या है ना, घर दूर है, पैदल गर्मी में इधर से उधर जाना, ऑटो वालों मेरा पैसा बहुत लगता है ऑटो में भी, आना जाना, अगर मैं यहाँ से आज मैं सोचू ना मैं वहां जाऊंगी मार्केट से वापिस आऊंगी, मेरा 100 रुपए लग जाता है ऑटो का, कैसे 20 रुपए जाने के और आते हुए मनमर्जी के रेट है, स्पेशल आना पड़ता है, इधर के लिए ऑटो नहीं मिलता, तो 50 भी ले लेंगे 60 भी ले लेंगे, अगर मेरे पास सामान ज्यादा हो गया आते हुए मार्केट से तो स्पेशल 80 रुपए भी ले लेंगे, तो मेरा 100 का नोट चला जाता है, 70-80 रुपए तो जाने ही जाने हैं, और फिर सामान के साथ नहीं जा पाती, अगर सामान के साथ आना करना है तो फिर तो 100 रुपए, कोई भी ऑटो वाला 100 रुपए मांग लेगा भी, मतलब 120 कुछ भी, और परेशानी और अलग, मार्केट में घूमना है तो पैदल घूमो। तो आज मैं यही सोच रही थी, मैं पापा जी को कहा पापा जी मैं सोच रही हूँ कि एक स्कूटी ले लूँ अपने लिए, सीख लूंगी चलानी तो बेटर रहेगा मेरे लिए, लेकिन अभी तो पैसे नहीं है। पापा जी बोलते किश्तों पे ले ले, मैंने कहा किश्तों पे भी तब लूंगी जब पहले अपना ये लोन वगैरह का तो क्लियर कर लूं थोड़ा सा, है ना, कि चीजें फालतू में नहीं, इतना टाइम बिना चीज के निकाल दिया तो कुछ महीने और सही। हाँ इतना है कि आज से 3-4 महीने बाद थोड़ा सा मेरा ऊपर से वो हल्का होगा ना, बोझ सा लगा लो ये लोन का, कम हो जाएगा। जिस दिन मेरा लोन 2 लाख का रह जाएगा, 2 लाख का लोन रह जाएगा, अभी 4 लाख का है मेरे ऊपर लोन, कर रही हूँ कम, 4 से 3 भी होगा, 3 से 2 भी होगा, जब 2 लाख का रह जाएगा ना मेरा लोन, फिर मैं कर लूंगी, मैंने सोचा हुआ है, फिर मैं कुछ ना कुछ स्कूटी व्हीकल लूंगी, चलाऊंगी भी, सीखूंगी, किश्तों पे ही ले लूं बेशक। तो पापा जी कह रहे थे लूना ले ले तू, वो बाइक की तरह होती है, उसमें पैडल भी होते हैं और वो ज्यादा भारी भी नहीं होती और वो सही रहती है। और तो आपने भी देखी होगी लूना कौन सी होती है, पहले के टाइम में
कहीं पुरानी है, ज्यादा ओल्ड फैशन है, इतनी स्टाइलिश भी नहीं है दिखने में। बट पापा जी कह रहे हैं स्कूटी से अच्छी रहेगी, वो सीख लियो चलानी। मैंने भी कहा ठीक है, तो मैंने एक ब्लैक कलर की देखी है, पसंद तो करी है लूना, और भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी भारी भरकम व्हीकल नहीं चला सकती, मुझे कोई हल्का फुल्का सा चाहिए। कि कल को अब मेरे को आगे के लिए सोचना पड़ेगा, लेनी तो पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि विहान को मुझे स्कूल में डलवाना है अब अगले साल। स्कूल में लेना ले जाना छोड़ना कैसे करूंगी अगर मेरे पास खुद के पास व्हीकल नहीं, गर्मी में कैसे ले जाऊंगी, गोदी में लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अब लेना तो मुझे पड़ेगा कुछ ना कुछ, बस कुछ महीने और इंतजार कर लूंगी, अभी निकाल लूंगी है ना, फिर आगे देखते हैं क्या रहता है, करना तो पड़ेगा चीजें, तभी कुछ नहीं मंगवाती। मैं सोचती छोड़ ना, 200-300 रुपए यहाँ खर्चूंगी, उससे बढ़िया अपने मौसमी का कट्टा मंगवा लूंगी, 1000 रुपए का आएगा, पूरे 20 दिन चलता है, वहां अच्छी चीजों में पैसा खर्चो तो संतुष्टि होती है। फल फ्रूट पे पैसा लगे, अच्छी चीजों पे लगे तो नुकसान नहीं लगता, फालतू की घटिया चीजों पे हम पैसा खर्चते हैं ना तो वो खराब ही जाता है ना, पैसा भी खराब हेल्थ भी खराब। तो जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए, तो नहीं मंगवा रही हूँ कुछ भी। पापा जी कह रहे थे कि हो पाया तो कल आ जाएगा मौसम्बी का कट्टा भी, देखते हैं आता है कब तक आता है। चलो अच्छी बात है, मेरा भी तब तक तबीयत ठीक हो जाएगी, विहान की भी। 2-3 दिन हो गए विहान को जूस नहीं दे पा रही मैं मौसम्बी का जूस, वरना रोज का मैं 1 गिलास विहान को पिला देती थी, 1 कांच का गिलास, इतना आधा सुबह आधा शाम करके इतना पी लेता था, मुझे तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि रोटी वोटी तो ढंग से खाता ही नहीं है। आपके सामने है, अभी सुबह से एक बच चुका है, इतने से 5-7 अंगूर खाए हैं, 2-4 मखाने, बस कुछ नहीं खाया, बस मर्जी का मालिक है जब खाना है खाएगा। पर जूस पी लेता था सुबह आधा गिलास कांच का, तो तसल्ली हो जाती थी कि कुछ तो जा रहा है शरीर में। अभी पिछले कुछ दिनों से जूस भी नहीं जा रहा है ही नहीं, मौसम भी खत्म हो रखी है, देखो कब तक आती है। चलो ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।